हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम कृषि विज्ञान की शाखाओं को देखेंगे। इससे पहले भी हमारा जो टॉपिक था वो कृषि क्रांतियों से रिलेटेड था, तो इस वीडियो में हम कृषि विज्ञान की शाखाओं को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट है एपिकल्चर, ये किससे संबंधित है। क्वेश्चन ये से बनता है कि एपिकल्चर किससे संबंधित है, तो ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। कैसे याद रख सकते हैं आप इसको, एपी कल्चर, तो ए पी आप सीधा सा कर लीजिए, ए पी शहद, यानी आप किसी को बुला रहे हैं कि ए पी क्या पी शहद, तो शहद से मधु के मक्खी पालन। ओके, फ्रूटी कल्चर, फ्रूट यानी फलों की खेती से संबंधित है ये। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, तो आप ये से याद रख सकते हैं पी। ओके, पी क्या पानी, पी पानी। और जल की रानी कौन होती है, मछली। ओके, पी पानी कर लीजिए, उसके बाद आप को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जल की रानी कौन होती है, मछली। तो ये जो पीसी कल्चर है वो मत्स्य पालन या जिसे हम मछली पालन भी कहते हैं उससे संबंधित है। और ये एपी यानी एपी आप किसी को बुला रहे हैं, तो ए पी शहद की शहद आकर पी, और पी से पी पानी, पानी यानी मछली पानी पी। नेक्स्ट है सेरिकल्चर, सेरिकल्चर को आप उल्टा कर लीजिए, रे के ऊपर एक ही मात्रा लगाए ये रे, और ये स, रे सम। ओके, उल्टा कर लीजिए सेरी को, एक ही मात्रा को हटा दीजिए, रे रे सम। ओके, तो शेरी जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। वर्मी कल्चर, वर्मी कीड़े मकोड़े होते हैं आपको पता होगा, वर्मी कल्चर ये केचुआ पालन से संबंधित है। तो वर्मी कल्चर होता क्या है मैं आपको बता दूँ, खाद वगैरह जब बनानी होती है उसे जैसे, तो उनमें छोड़ा जाता केचुआ, और इसके न तो कुछ हाथ होते हैं, न पैर होते हैं, न मुंह होता है, ये सिर्फ खाता है, और जैसे ये सिर्फ खाद ही बनाने के काम आता है, तो इसे गोबर में छोड़ दिया जाता है एक तरह से, और इस तरह से इसका पालन किया जाता है। तो वर्मी जहाँ पर कीड़े मकोड़े पाले जाते हैं यानी केचुआ पालन, इससे खाद बनाई जाती है, क्योंकि केचुओं को खाद में छोड़ दिया जाता है और वो इसको जैसे भुरभुरा कर देते हैं बिल्कुल ही। तो वर्मी कल्चर हो गया केचुआ पालन से। हॉर्टिकल्चर बड़ा ईजी है, तो सीधा ही है, हॉर्टिकल्चर बागवानी से रिलेटेड है, जो बाग वगैरह लगाते हैं उनसे। फलोरी, फलोरी फूल, फलोरिकल्चर फूलों से। और ओलोरी कल्चर, ओलोरी किससे है, ये तो सीधा ही है, कुछ सीधे ही आ रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो रिवीजन एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए आपको। तो ओले, ओले से कर लीजिए, सीधा ही कर लीजिए आलू। और आलू किससे संबंधित है, सब्जियों की खेती से संबंधित है, तो ओलोरी कल्चर सब्जियों की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट है सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर तो ये वनों के विकास से संबंधित है, तो आप ये से याद रख सकते हैं कि वनों की रक्षा के करने के लिए सरकार ने क्या किया है, सील कर दिया है, सील कर दिया है, क्या सील कर दिया है, कुछ आरक्षित स्थान बना दिए हैं कि आप इस एरिया में वन वगैरह नहीं काट सकते। आप जानते ही हैं खेती करने के लिए किसान बहुत जैसे जंगलों को काट रहा है, तो सरकार ने क्या है, क्या है यानी सील, सील दिया है इनको। तो सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है, वनों के विकास से संबंधित है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है, वीटी अंगूर की खेती। विटीकल्चर को आप ये से याद रख सकते हैं, यहाँ सीटी कर लीजिए, सीटी ऐसा कौन सा फल है जिसको आप चटकारे मार मार कर खाते हैं, तो आपका वो है नींबू, और नींबू को छोड़ दीजिए क्यों, नींबू तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, तो दूसरा ले लीजिए अंगूर जिसको आप चटकारे मार मार कर खा सकते हैं। तो विटीकल्चर यानी सीटी, सीटी सीटी से कीजिए चटकारे मार मार कर, किसे खाया, अंगूर को, तो अंगूर की खेती संबंधित है विटीकल्चर से। नेक्स्ट है मोनोकल्चर, एक बार में एक ही खेती, इससे संबंधित है ये मोनोकल्चर। ओके,
तो मोनो से क्या करेंगे, मोर ना, यानी मोर नो, यानी अधिक नहीं करनी है खेती, सिर्फ एक बार में एक ही खेती। तो मोनोकल्चर किससे संबंधित है, एक बार में एक ही खेती, मोर नहीं। ओके, मैरी मैरिनी कल्चर, मैरिनी कल्चर किससे संबंधित है, समुद्र में समुद्र जीवों के भोजन हेतु कृषि की जाती है इसमें। ओके, मैरिनी कल्चर, तो मैरिनी कल्चर से आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैरिनी से मैरिना बीच याद आता होगा, मुझे तो, मैंने जब याद करती थी तो मुझे तो आता था, तो आप भी वैसे ही याद कर लीजिए, मैरिना बीच। और मैरिना बीच क्या है, तो ये समुद्र के किनारे होते हैं, आपको पता ही होगा, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी यहाँ पर, समुद्र के किनारे जो होते हैं वो होता है ये, तो समुंदर में, इसी से रिलेट कर कर जोड़ लीजिए, मैरिनी मैरिना बीच, समुंदर में समुद्र जीवों के भोजन हेतु कृषि की जाती है। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रो कल्चर। हाइड्रो कल्चर पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि की जाती है इसके द्वारा, हाइड्रो यानी यहाँ पर कर लीजिए हाई फाई। ओके, हाई फाई ये ऐसी कृषि जो पानी में होती है, ओके, मिट्टी का जिसमें प्रयोग नहीं होता, तो एक तरह से हाई फाई मिट्टी है ना, तो हाइड्रो कल्चर पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि की जाती है। नेक्स्ट है अर्बोरिक कल्चर। अर्बोरिक कल्चर जो कि वृक्षों झाड़ियों व वाइन्स की खेती से संबंधित है, तो अर्बो कल्चर से याद रख लीजिए, अर्बोट जने अर्बोट यानी अबोट यानी एक तरह से जो ख़त्म किए जा रहे हैं, पेड़ पौधों को ख़त्म किए जा रहे हैं खेती के लिए, अबोट कर लीजिए यहाँ पर, कि खेती के लिए नष्ट किए जा रही हैं वृक्षों झाड़ियों को ख़त्म किया जा रहा है, उनको फिर से करने के लिए चलाया जा रहा है, यानी अबोरी कर, अबोरी से याद रख लीजिए, अबोट अबोट यानी पेड़ वृक्षों को काटा जा रहा है तो उसको बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, तो वृक्षों और झाड़ियों और वाइन की खेती के लिए प्रयोग क्या होता है, अबोरी कल्चर। ओके, नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर, ये सीधा सा ही है, टिश्यू से अलग की कोशिकाओं के कृत्रिम माध्यम से वृद्धि कर नए टिश्यू का निर्माण। ओके, टिश्यू कल्चर, टिश्यू से अलग की कोशिकाओं की कृत्रिम माध्यम से वृद्धि कर नए टिश्यू का निर्माण करना। नेक्स्ट है पॉली कल्चर, एक से अधिक फसलों की खेती जहाँ इसका उद्देश्य है, पॉली कल्चर किससे संबंधित है, एक से अधिक फसलों की खेती, पॉली, सीधा सा यह है, पॉली यानी पॉली आप मतलब समझते ही होंगे, जो ठोस नहीं है, पॉली है यानी खुरद जैसे बुरबुरी बुरी बुरी सीख है पॉली, जिस तो उससे याद रखिए, ठोस नहीं है यानी एक बात नहीं है इसमें, पॉली अनेकों बात है, तो हम कृषि क्रांतियों को देख रहे हैं तो सीधी सी बात है, पॉली एक से अधिक फसलों की खेती से संबंधित है, यानी ठोस नहीं है, यानी डबल मीनिंग निकल रहे हैं इसके, पॉली। ओके, नेक्स्ट है एक्वेकल्चर। एक्वेकल्चर संबंधित है जलीय जीवों, मछली का पालन व जलीय पौधों की कृषि से संबंधित है एक्वेकल्चर। तो आप यहाँ पर एक बार अबोरी कल्चर को ध्यान से देख लीजिए, अबोरी यानी अबोर्ट की जा रही है किसको, वृक्षों झाड़ियों को ख़त्म किया जा रहा है उससे संबंधित, अबोर्ट से याद रख लिए कि उनको सुरक्षित रखना इनका कार्य है, वृक्षों झाड़ियों व वाइन की खेती से संबंधित है। ओके, एक और ये कन्फ्यूज न हो इसीलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, दूसरा जो कंफ्यूज आप न हो इसीलिए बता रही हूँ, सिल्वी कल्चर यानी सील कर दिया गया है इनको, किनको, वनों को। ओके, तो वनों के विकास से संबंधित है सिल्वी कल्चर। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।